are the happiness we are prepared to. And thank you so, so much for being associated with this wonderful initiative. Iska hissa banega kaise sir? I'm actually aware of the work that Crisis Child Relief and you. अच्छा अब लोग का हो गया तो मैं कुछ बोलूं? दो मिनट. बड़ी? Yes sir. काम है. So since I was a kid, I think small white envelopes used to go from our house to Child Relief and you. ये लोग I think greeting cards were very popular as a form of donation. तो all my चाइल्डहुड आई रिमेम्बर कि माँ बाप यही कार्ड्स खरीदते थे और जो एनुअल हैप्पी न्यू ईयर मैरी क्रिसमस सीजन ग्रीटिंग्स का कार्ड जाता था वो यहीं से जाता था. तो मुझे पता है कि काफ़ी समय से क्राई बच्चों के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है. एंड हैप्पी चिल्ड्रन आर द फाउंडेशन ऑफ अ हैप्पी सोसाइटी. जो दिन स्थापित हुआ है इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस जिसके तहत क्राई फाउंडेशन के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनसे संबंधित बच्चों को हम यहाँ पर आमंत्रित कर रहे हैं. नॉट जस्ट इन मुंबई, इन बैंगलोर, इन कैलकटा, अदर सिटीज ऑल्सो उनकी कहानियाँ, उनकी हैप्पी स्टोरीज हम शेयर करेंगे. एंड वी ऑल्सो हैव अ कॉन्टेस्ट ऑन बिग एफएम व्हिच बाय व्हिच हम लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं. आप अपनी कहानियाँ हैप्पीनेस वाली शेयर कीजिए और हम पांच हैप्पीनेस हीरोज को सेलेक्ट करेंगे टू मीट एंड ग्रीट आरजे रानी. आप मुझे अपनी अपने बचपन का एक बहुत मतलब बेइंतहा हैप्पी मोमेंट बताओ. मेरे बचपन में तो थैंकफुली बहुत सारे मोमेंट्स काफी खुशी वाले थे. आई एम लकी. मुझे बस ये याद आता है कि बचपन में मुझे बचपन से ही एक्टिंग का शौक था. तो जब मैं 3 या 4 साल की थी तो मैं अपने मेरे पिताजी उस समय थोड़े से गोलू थे तो मैं अपने पेट में तकिया डाल के और मुंह पे दाढ़ी बना के उनकी एक्टिंग करती थी और सब लोग बहुत हंसते थे. तो मुझे लगता था कि नो एक्टिंग इज सो पावरफुल, आई कैन मेक पीपल लाफ. एंड टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट लाफ्टर एंड हैप्पीनेस बिकॉज इट्स actually this is for the 20th which is world happiness day. to sab log apna dil thoda khol ke cry ko donation bhi dijiye. it can make a big difference. Absolutely. acha main jaldi se ek hamara childhood happiness rapid fire round hai fatafat aapko batana hai. one game bachpan wala that made you happy. yahan pata nahi hum log pitthu bahut khelte the delhi mein. one hero जिसकी पिक्चर देखकर मेरी फील वेरी हैप्पी. बचपन से वन टीचर दैट मेड यू वेरी हैप्पी. वी यूज्ड टू हैव दिस टीचर कॉल्ड चित्रा सुब्रमण्यम. शी वाज अ हिस्ट्री टीचर. सो शी मेड एवरीबॉडी बिलीव दैट एनीथिंग इज पॉसिबल इन अ वेरी मैटर ऑफ फैक्ट वे. वन खाने की चीज दैट मेड यू वेरी हैप्पी. Still does, yeah. राजमा चावल मम्मी के हाथ का. One childhood friend who made you very happy. I had a friend called Dolly. Yeah. And then one day she just moved. So, Dolly, if you're watching this, hi. We haven't met since we were 7 years old. Wow. So yeah. One film that made you very happy. As a kid. Yeah. Mr. India. Kya baat kar rahe ho? Really? Yeah. One. एक रिश्तेदार मम्मी पापा के अलावा दैट मेड यू वेरी हैप्पी. माय मासी. टेल मी अबाउट. वेल शी वाज जस्ट फुल ऑफ लाफ्टर. शी वाज ऑलवेज क्रैकिंग जोक्स, प्लेइंग प्रैंक्स. तो इवन दो शी वाज माय मम्स यंगर सिस्टर और उन्हीं के आसपास की उम्र की थी बट शी वाज मोर लाइक अ फ्रेंड टू मी. वन हॉलिडे दैट मेड यू हैप्पी बचपन का. मैं अपनी गर्ल गैंग के साथ मसूरी गई थी बचपन में. हाँ, दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग. वन स्कूल की शरारत दैट मेड यू वेरी हैप्पी. स्कूल बंक करना. तुम मत करना. थैंक यू सो मच रिचा. आई वुड आल्सो लाइक टू इनवाइट प्रवीण स्पोक्सपर्सन फ्रॉम क्राई हु हैज डन सच एन ऑसम जॉब एज यू नो टू स्टार्ट दिस इनिशिएटिव एंड आई वुड आल्सो हां प्रवीण टेल मी व्हाट मेड यू ये इनिशिएटिव का सोचा गया सर और क्या इसके तहत आप क्या क्या करते हैं.
क्योंकि हम लोग पूरे भारत में काम कर रहे हैं और लगा कि हैप्पीनेस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग क्रॉस कटिंग. शिक्षा पाना है तो हैप्पीनेस होना जरूरी है. अगर बच्चा खुश नहीं है आप स्कूल लेके भी जाएंगे तो बच्चे स्कूल में नहीं जाएंगे. बच्चे को प्रोटेक्टिव करना, पूरी तरह से एनवायरमेंट ऐसा हो जहाँ बच्चा प्रोटेक्टेड है. अगर बच्चा प्रोटेक्टेड है तो खुश है. तो हर एंगल से अगर आप देखेंगे तो हैप्पीनेस इज द कोर फॉर एवरीवन एंड इट इज फॉर एवरीवन. इट इज मोर फॉर द चिल्ड्रन. दैट्स व्हाई वी थॉट कि ये दिन हम लोग अटेंशन लाए और सबके ध्यान में लाएं कि हैप्पीनेस बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों के साथ और क्रिएट करें एक हैप्पीनेस, एक बच क्रिएट करें अपने पूरे मुंबई में जिसमें बच्चों के साथ जब हम बात करें तो एक हैप्पीनेस क्रिएट करें, बच्चे के चेहरे पे खुशी लाएं. इस तरह का कोशिश करने की हम राइट क्या क्या चीजें जो आप बच्चों के लिए करते हैं. आई वुड लाइक वर्ल्ड टू नो एज अ फाउंडेशन जो क्राई कर रहा है बच्चों को दैट यू फील कि बड़े होकर विल मेक देम वेरी हैप्पी जो तुमने अपने बचपन से सीखा. ये बच्चों बड़ों सबके लिए टिप अच्छा है. जैसे बचपन में हमें कुछ पता नहीं होता ना, हम हर रोज उठते हैं और रोज खुश होते हैं. हमारी टेंशन छोटी होती है कि आज होमवर्क हो गया हमें मारेगी नहीं. हर दिन को उस दिन की तरह ही जीना, आगे की ज्यादा सोचना नहीं, ज्यादा टेंशन नहीं लेना, किसी को पता नहीं कल क्या हो जाए और पहले की बात भी सोच के दुखी नहीं होना. यही मुझे लगता है लिव इन द प्रेजेंट बोलते हैं. इस पल में जीना, हर रोज खुश रहने का निर्णय लेना, ये एक सबसे बड़ा सीक्रेट है ओके. और पीछे जो लोग शोर मचा रहे हैं, गाइस फॉर इनवाइटिंग अस टू योर ऑफिस एंड क्रिएटिंग अ रकस इन द बैक व्हाइल अ प्रेस कॉन्फ्रेंस इज गोइंग ऑन. आई वुड आल्सो लाइक टू इनवाइट प्रवीण जी प्लीज टू गिव रिचा हमारी तरफ से अ टोकन ऑफ अप्रिसिएशन. Thank you. Okay, madam, what flowers make you happy? What color? What color flowers and what exact flowers make you happy? These two actually orchids and lilies. Yeah. One subject that made you happy, school mein. School mein, I think history. History. And one subject that did not make you happy at all. Chemistry. Science. We would also. We have a cake with us, which we would like to cut right now. बच्चों से कटवाते हैं. And we would like to, of course, yes, yes, of course, बच्चों को तो बुलाना ही है. आइए आइए. मोबाइल. नीचे जी, लड़कों के साथ फोटो. ओ लेडी मैन. मित्रा मित्रा पांडे ना. यस मैम. यहाँ काम भी पूरा हुई. मैम डाउन हो गया. मैम हो गया बस ना. जो हाँ 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 कट भरे आधा खाली बस कट ये फ्रंटे नथिंग भाई खाली बस ना चांगला बेटर है तुम निकेश काय करू भाई मैं बाहर कुठे मारू भाई मला भूमी का हां हां ये मारू 2 मिनिट 2 मिनिट निकाल भूमी का बोल इसको बोल बस बस मोबाइल मोबाइल एक्सक्यूज मी मैम मोबाइल टेबल रहेगा टेबल ऊपर बेटा टेबल ऊपर यस मैम रेडी टेबल ऊपर रेडी चलिए ये पास रोलिंग रेड वाला कौन सा है बहुत बहुत धन्यवाद ये दूसरा भी छोटा भी ये बड़ा वाला छोटा जान दो ये और वाला मैं किसमें एक और भाई को दो और मुझे बैठे रहना भाई बैठे रहना. लगे रुक रुक सर ने बोला सब स्माइल यहां पे भी
सुनीता जी की बात तो हम ही ना डालते अरे क्या कर रहा है भाई मेरी कैमरे में क्या कर रहा है तू ओके वन मोर वन टू स्माइल चलो चलो ठीक है हां चलो बन ठीक है चलो कैमरा कैमरा चलो 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 मुझे पता नहीं मुझे कहां लेना पड़े खड़े हो गए रिचा जी सिर्फ लड़के जी छोटे छोटे उनके साथ हो या मैम आ जा आ जा छोटे बैठ जाओ हां नहीं मिल रहा है ले अभी मिला आप आधे आधे लो आधे लो बैठ जाओ आधे लो दोस्त ना बैठ जा टेंशन नहीं लेने ना ना हां ये थोड़ा पीछे चले मैम ये ऋचा जी सेंटर अरे हो गया थैंक यू चलो बाइट कर ले चल घे ना तुझे फोटो बोलो हो गया सबको रुका जैसे पूछना नहीं तो भैंसो लुक की मान छूट जाएगी चलो बैठो बैठो होने दे मुकेश ज्यादा नहीं बोल रहा है अरे मोबाइल पसरे खाली एक कुर्सी मंगा लो मैं वीडियो के लिए मैं बैठेंगे तो खाली बसा मैं इधर देखना सेंटर अभी बोलोगे मोबाइल डाला तुझा ऋचा जी सेंटर में अरे क्या ऋचा जी इधर बोलो बस हो गया इतना यूज भी नहीं होता यार कभी भी नहीं चलो चलो थैंक यू यहां रखोगे तो भी चलेगा ना नसीम भाई गाइस या अरे प्लीज प्लीज अरे मनीष आपने हल्ला मचा रखा है बेटा गुड टू सी यू व्हाट इज द फर्स्ट रिएक्शन जब ट्राई के लोग आप तक पहुंचे कि वो चाहते हैं कि आप हिस्सा बने और बच्चे बहुत खुश भी हुए आपसे मिलकर वो बच्चे तो उनकी उनका नेचर ही कुछ ऐसा होता है सबसे मिलके खुश हो जाते हैं और मुझे अच्छा लगा क्योंकि मैं बचपन से खुद क्राई के काम से वाकिफ़ हूँ और इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी वर्ल्ड हैप्पीनेस डे तो हम सब साथ में इसलिए आए यार मुझे शोर से बहुत दिक्कत होती है ये बदतमीजी है कि लोग पीछे इतना चिल्ला चिल्ला के बात कर रहे हैं मुझे समझ ही नहीं आता सॉरी इवेंट एक्साइटिंग है काफ़ी स्वीट है अलग भी है और बच्चे समाज की नींव होते हैं कभी आप चाहे क्रिमिनल हो चाहे वर्ल्ड लीडर हो उनकी वहाँ तक जाने की जर्नी बचपन से शुरू होती है कि बचपन में उनके साथ क्या हुआ उन पे क्या बीती कुछ अच्छा कुछ बुरा All those things make a child and then they make a society. That's why it's important to support initiatives like this. Do you agree with this? Mother plays a very important part, you know, jab jaise aapne kaha ki haan to baap ki zimmedari pehle hata do sawal se lekin baap to hai hi baap to hai hi acha father to hai hi nahi father to hai hi nahi hota na kafi agar hum stories mein jaye तो पता चलता है कि बाप के ना होने से क्या क्या बीतती है बच्चों पे या बाप अपने हिस्से की जिम्मेदारी नहीं पूरी करता तो क्या बीतती है बच्चों पे मदर इज़ ऑफ कोर्स एन इम्पॉर्टेंट अ वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी चाइल्ड्स ग्रोथ एंड इन द ग्रोथ ऑफ अ सोसाइटी आपका सवाल क्या था नहीं,
बच्चा क्रिमिनल या जो कुछ भी बनता है, इम्पोर्टेंट है उसकी परवरिश किस माहौल में हो रहा है। माहौल से ज्यादा अगर मुझे अभी पता है कि मेरे घर में जो लेडी काम पे आती है उसका पति रोज़ उसको दारू पी के पीटता है, बच्चे पे क्या बीतती होगी, वो 4 साल का है 5 साल का है, बड़े हो के क्या वो सेम बिहेवियर को मॉडल करेगा या क्या करेगा, क्या सीखेगा, वो सब ज़रूरी है। उसमें सिर्फ माँ नहीं बाप का भी हाथ होता है, ज़्यादातर बाप का जो मैंने देखा है उसमें तो मैं यही देख रही हूँ कि उसका हाथ रहता है, परवरिश कैसी होती है उस पे, एंड दैट अफेक्ट सोसाइटी। बिल्कुल, इतना हट के सवाल तुमने सोचा कैसे, कभी सुना ही नहीं था मैंने कभी। माई बैड हैबिट, आई थिंक आई प्रोक्रेस्टिनेट अ लॉट, आई ऑलमोस्ट फिनिश मैनी थिंग्स एंड देन आई स्टॉप, सो दैट इज अ बैड हैबिट। गुड इवनिंग, हेयर कट? ओह सॉरी सॉरी, ओ आई एम सो सॉरी टू हियर, अलग से बात करते हैं उसके बारे में। नहीं नहीं नहीं, कोई इनकन्वीनियंस आपकी वजह से थोड़ी हुई। एक्चुअली ये तो बहुत सिंपल सी बात है, अगर मैं मेरे पास खुद कुछ संपत्ति या कुछ पैसे नहीं हैं तो मैं भिखारी को क्या कुछ दूं, तो खुद खुश होना ज़रूरी है, खुद से प्यार करना ज़रूरी है, तभी आप दुनिया में ये सारी चीज़ें बांट सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी ज़रूरतें समझें, हम समझें व्हाट मेक्स अस हैप्पी एंड वी स्टे ट्रू टू दैट, क्योंकि लालच का, ग्रीड का, एम्बिशन का कोई अंत नहीं होता। तो इट्स इम्पॉर्टेंट टू फाइंड हैप्पीनेस विद इन, यू नो, स्पेशली इन आर फील्ड जहाँ एक फ्राइडे कुछ होता है, अगले फ्राइडे कुछ होता है, एवरीथिंग इज सो अनप्रिडिक्टेबल, देयर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड हैप्पीनेस इनसाइड। आई एक्चुअली आई एम क्वाइट अ हैप्पी पर्सन, ओ थैंक यू, दैट्स अ बिग कॉम्प्लीमेंट। आई थिंक मेरा काम मुझे काफ़ी खुशी देता है, मेरे दोस्त, मेरी फैमिली, मेरी बिल्लियाँ, मेरे जो शौक हैं, वट एवर लाइक माई हॉबीज़ आर, लाइक म्यूज़िक, आई लाइक टू राइट, अपार्ट फ्रॉम माई वर्क, यू नो, थिंग्स दैट मेक मी हैप्पी। आई थिंक वी ऑल सम हाउ लूज ट्रैक ऑफ दैट, पैसे के पीछे भागते रहते हैं, फिर लाइफ इज़ सो फिकल, यू कैन डाई ओवर नाइट, यू नो, सो आई फील लाइक इट्स इम्पॉर्टेंट टू बी ट्रू एंड हैप्पी एवरी डे। थैंक यू, अच्छा, थैंक यू थैंक यू, must be the kids, you know, kids always have good energy. वो एक्चुअली मैं थी नहीं यहाँ पे, तो मैं काफ़ी इंटरव्यूज पहले करके निकल गई थी, और आपको पता है फिल्मों की डेट, रिलीज डेट शिफ्ट हुई थी जनवरी से, इनफैक्ट दिसंबर से होती आ रही है, इसलिए मैं, मेरा पहले से प्लान था, अदरवाइज आई वुड हैव लव टू बी हियर फॉर द होल प्रमोशन। रेड कार्पेट तो मैंने किया नहीं, मैं तो एक्चुअली प्लस वन की कैपेसिटी में गई थी, तो आई केप्ट वेरी लो प्रोफाइल, बट मुझे मज़े बहुत आए ऑस्कर की सारी पार्टीज अटेंड करने में। सभी से, इनफैक्ट ऑफकोर्स जो नॉमिनीज थे, जो विनर्स थे उनसे, और ऐसी पार्टीज़ में नेटवर्किंग की भी अपॉर्चुनिटी होती है, तो आप दुनिया भर के आर्टिस्ट से मिलते हैं। इतना आसान नहीं है बाहर फिल्म मिलना, क्योंकि वहाँ एक्चुअली यहाँ से कम लोग हमें जानते हैं ऑब्वियसली, उसमें थोड़ा वक्त लगेगा पर हो जाएगा। थैंक यू। Why not? Who will not be interested? हॉलीवुड के नाम पे हमने 5-6 इंडस्ट्रीज बना दी, बॉलीवुड, टॉलीवुड, मॉलीवुड, लॉलीवुड, तो ओरिजिनल में काम करने में तो मजा आएगा ही। आपने कहा भी है ना कि हर फ्राइडे सब कुछ बदल जाता है, यहाँ रिलीज होती है, यू स्टार्टेड योर जर्नी लॉन्ग बैक, यू नो, बहुत अलग अलग तरह का सिनेमा, गैंगस्टर वसीपुर से लेकर जी, अलग अलग, यू नो जी, कभी ड्यूरिंग द स्ट्रगल पीरियड ऑफ योर टाइम इन द बॉलीवुड
आई थिंक तो एक तो लड़कियों को महीने में दो दिन डिप्रेशन तो रहता ही है, उसको हम PMS कहते हैं, और आप सब उससे वाकिफ हो जाएं तो अच्छा रहेगा, हमारी लाइफ इजी हो जाएगी. दोज आर लाइक हार्मोनल इंड्यूस्ड मूड चेंजेस. एंड ऑफ कोर्स मैं तो हफ्ते में एक दिन मैं डिप्रेस हो जाती हूँ कि मुझे लगता है कि आई डिडंट अचीव दिस और आई कुड हैव डन दिस बेटर, या इस फिल्म का ये होना चाहिए था इतना अच्छा नहीं हुआ, या ये बहुत अच्छा हो गया, आई एम नॉट गेटिंग माई ड्यू. वो सारे ख्याल दिमाग में आते रहते हैं और इट्स नेचुरल, क्योंकि लाइफ इज़ नॉट जस्ट हैप्पी हैप्पी हैप्पी. ज़िंदगी में उतार चढ़ाव दोनों आते हैं, बट जो जब आप लो होते हो, जब आप दुखी होते हो, या जब आप गुस्से में होते हो, मुझे ये लगता है कि उसको फील कर लेना चाहिए. अगर आपको दुख हो रहा है तो रो लो, गुस्सा आ रहा है तो चिल्ला लो, तकिए में चिल्ला लो, पर गेट दैट फीलिंग आउट. व्हेन वी सप्रेस आवर फीलिंग्स ना, वो अलग अलग फॉर्म्स में तो एक वो दिखती है. अगर आपके पति का अफेयर चल रहा है, आप गुस्सा काम वाली पे निकाल रहे हो, तो वो गुस्सा कहीं और ही निकल रहा है. यू नो इट्स इम्पॉर्टेंट टू फील एवरीथिंग बिकॉज वी आर ह्यूमन बींग्स. ठीक है जी, दास देवारी है. 20 अप्रैल को आएगी, आपसे दोबारा मुलाकात जल्दी होगी सभी से. 20 अप्रैल को आएगी फिल्म, और एक मॉडर्न डे अडेप्टेशन है देवदास का, पॉलिटिकल बैकग्राउंड में, जिसमें सुधीर मिश्रा काफ़ी माहिर हैं, वो पॉलिटिक्स को भी समझते हैं, और मतलब उन्होंने बहुत अच्छी अनोखी सी काफ़ी प्रोग्रेसिव एक लव स्टोरी बनाई है. और इसमें जो ओरिजिनल जो नॉवल है, जो कहानी है, उसके मुकाबले जो पारो का कैरेक्टर है वो सबसे अच्छा है, अलग है. जी फिल्म के प्रमोशन को लेकर आप कितना सेटिस्फाइड हैं, कितना मुतमईन हैं? अभी तो टाइम है ना, हमें एक्चुअली हम वी वर जस्ट गैदरिंग रिसोर्सेज. अब प्रमोशन तो अब शुरू होगा. द रीजन आई एम आस्किंग दिस ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट, स्टार्टेड विद सम अदर पीआर, देन समबडी अदर पीआर, फॉर एग्जांपल समबडी वांट टू डू इंटरव्यू रिचा चड्ढा, हां वी कॉलिंग अभिषेक अहमद, देन यू नो फॉर द फिल्म यू नो दास देव, जी जी जी, उसे फोन करो, वो कहता है कि जी मैंने तो 15 दिन पहले फिल्म छोड़ दी, देन आई कॉल अप समबडी एल्स, देन ही सेड कि भाई मैंने छोड़ दी. लिटिल कंफ्यूजिंग विद द फॉर द पीपल हु वांट टू बी इन टच विद द स्टार कास्ट ऑफ दास देव, दैट्स आई एम आस्किंग. No, thank you for your feedback. I'll definitely convey it at the office. जैसा कि आप जानते हैं, मैं उन एक्टर्स में से हूँ नहीं जो हर चीज़ को कंट्रोल करती है या बोलती है इनके साथ काम करो, इनके साथ मत करो. सो आई ओनली प्ले माई पार्ट. जब मुझे प्रमोशंस करने को कहा जाएगा, आई विल बी देयर ऑब्वियसली. मैं मान सकती हूँ कि ये काफ़ी कन्फ्यूजिंग रहा होगा आपके लिए. थैंक यू. I proceed to ask you, is it also time to extend our prayers for Irfanji? No, he'll be fine. He'll be fine. I'm positive he'll be fine. Today also he posted another post about his health. Oh, I'm not aware. Suji, we'll stick to the questions for our thing. I'm not aware of that. But I believe in God. And I believe in healing, and I believe that he'll be fine. That is my belief. Thank you. एक काम करू, मैं आने से पहले अपडेट दे दो, आज ये हुआ है, क्योंकि मैं इधर आ गई, मैंने पेपर नहीं पढ़ा, तो मैं प्रिपेयर तो हो जाऊँ. कुछ आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछ रहे हो, सिलेबस से बाहर का क्वेश्चन, मैं फेल हो जाऊंगी. थैंक यू. आई एम सॉरी, आई डिडंट नो. क्यों सजा क्यों हुई? ह्यूमन ट्रैफिकिंग केस. ह्यूमन ट्रैफिकिंग. थैंक यू गाइस. यस, कबूतरबाजी. 2000 में क्या था? किसी की फोटोज बाकी है? डन. नहीं नहीं, डन डन. थैंक यू. Thank you.
Emma, will you take a photo? He's wearing a suit. क्या तुम तो तैयार हो गया? Actually all of them है ना? सब अच्छे अच्छे कपड़े पहन के ready हो गए हैं. तुम्हें पढ़ना आता है? बस फिर मैं खाना बनाती हूँ. खाना हो जब बोले कि हर व्यक्ति पेरेंट्स में जो इलाके आते हैं यहाँ में वो आते हैं तो खाना उनकी सोच पुरानी है उनको माफ कर दो जो तुमने करना Global Advertiser for innovative outdoor solutions. Global as a company, it has never compromised on its service quality and commitment, and that is the reason our clients do keep on coming again and again to us for our service. The mission of the company is to rise on the graph of betterment for every campaign handled by us. Sir, aapki film The Great Leader aa rahi hai. इस पर कुछ रोशनी डालिए. रोशनी लीडर के साथ अपने आप चलती है और हम क्या रोशनी डालेंगे उसके ऊपर. एक बहुत ही अच्छा विषय है इस फिल्म का, महिलाओं के प्रति जो है समाज में आजकल और कई गांवों में कई क्षेत्रों में अत्याचार होता है, उनको बढ़ावा नहीं दिया जाता. इसी के दायरे में ये कहानी बनी गई है. हीरो के पिता की भूमिका हम निभा रहे हैं और हमारी पत्नी जया जो है वो हमारी पत्नी का रोल कर रहे हैं. तो ये एक हिंदी वर्जन है, तो मुझे बड़ा गर्व है कि मैं इस फिल्म में काम कर रहा हूँ. द ग्रेट लीडर फिल्म के निर्माता दीपक सावंत हैं, जो पिछले 45 वर्षों से आपके मेकअप आर्टिस्ट हैं. लोग जानना चाहते हैं कि शूटिंग पर दीपक सावंत आपकी नज़र में मेकअप आर्टिस्ट होते हैं या निर्माता? ये मेकअप आर्टिस्ट पहले मेकअप हमारा करते हैं, उसके बाद ये निर्देशक बन जाते हैं. इस फिल्म की सफलता के लिए आप दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? ग्रेट लीडर जो है वो जा करके देखें और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आएगी और आपको सराहनीय लगेगी. दीपक जी की फिल्म के लिए ग्लोबल एडवर्टाइजर्स ने बहुत सपोर्ट किया है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, जिन लोगों ने इनको सपोर्ट किया है उनको हम धन्यवाद देते हैं और इसी तरह उनको सहायता बनी रहे ताकि ऐसी फिल्मों का प्रचार हो, और उनको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और अभिनंदन और स्नेह और आदर. Global Advertiser for innovative outdoor solutions.